अब श्री पुनः हमारे साथ हैं, किंतु अंधकासुर भी असुर गुरु की वरदानी संजीवनी विद्या का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मृत असुर जीवित हो उठ रहे हैं। पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आपने उन्हें दी है। अब हम क्या करें पिताश्री? पुत्र, मेरे समक्ष प्रस्तुत करो असुर गुरु को। जो आज्ञा पिताश्री। गणेश जी। प्रणाम असुर गुरु जी। पिताश्री ने आपको बुलाया है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ गणेश, महादेव के आदेश का पालन अवश्य करूँगा, किंतु कुछ समय के बाद। जब तक असुर गुरु की संजीवनी विद्या है हमारे पास, देवता पराजित नहीं कर सकते हमें। मेरे वरदान का अब तक दुरुपयोग ही किया असुर गुरु शुक्राचार्य ने। भगवान को प्रतीक्षा करवाना भक्त को शोभा नहीं देता असुर गुरु जी, इसलिए आप स्वयं जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही ले चलता हूँ आपको। रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे गुरु को? आक्रमण करो! पिताश्री, असुर गुरु उपस्थित हैं। प्रणाम महादेव। यह अनुचित है प्रभु, मुझे अपने कर्तव्य के निर्वाह से क्यों रोका आपने? मैं किस प्रकार अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूं, यह मेरी इच्छा है। किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, ऐसे में मुझे यहां लाने का क्या औचित्य है? प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा क्या विचार है? क्या असुर गुरु उचित कह रहे हैं? पिताश्री, आपने असुर गुरु को ये विद्या न्याय के समर्थन में अच्छाई के लिए दी थी। स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु वो तो उसका प्रयोग असुरों को जीवित करने में कर रहे हैं, वो भी अंधकासुर की सहायता के लिए, जिसने माता लक्ष्मी को पाताल में बंदी बनाने का अधर्म किया। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है पिताश्री। तो इन्हें क्या दंड देना चाहिए? आप इन्हें निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री। Thank you.
ऐसा मत कीजिए महादेव, छोड़ दीजिए मुझे महादेव, महादेव, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए मुझे। क्यों हो रही है मेरी ये असुर सेना? तो समस्त ब्रह्मांड है मेरे चारों ओर, ये कहां पहुंच गया मैं? असुरों का अंत कर रहे हैं देवता। महादेव, सत्य है संपूर्ण संसार आपके उदर में स्थित है, जो बाहर है वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तुम सबका साथ देने असुर गुरु नहीं है दुष्टों। दुर्योधन शीघ्र कुछ करो और योद्धाओं का भेजो। असुर राज महादेव ने असुर गुरु को निगल लिया है, पाताल श्रीहीन हो गया है, असुर हताहत हो रहे हैं और देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई है।
अस्त हो चुका है। युद्ध के नियमों के अनुसार अब युद्ध विराम होना चाहिए। अंधकासुर, आप पराजित हो चुके हैं। हम माता लक्ष्मी को लौटाकर श्री युक्त हो चुके हैं। ये स्वीकार कीजिए और जाइए यहाँ से। और कल प्रातः समर्पण कर त्रिदेवों से क्षमा याचना कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जय। 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 तुमको निस दिन सेवत। आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे। आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। 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 इस अद्भुत असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। मेरी पूजा का फल वही पा सकेगा जो बुद्धि का धनी हो, जिस पर गणेश की कृपा हो, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश ही हैं। माता लक्ष्मी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। माता लक्ष्मी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। आओ पुत्र, अपना स्थान ग्रहण करो। सदा मेरे साथ स्थापित होंगे गणेश। प्रथम पूज्य हैं ये, इसलिए सर्वप्रथम इनकी ही पूजा का नियम होगा।
वो उनकी मृत्यु हो गई है सुराज। वो दोनों भी नहीं रहे। असुर गुरु हमारे सबसे बड़े अस्त्र थे। मृत सैनिकों को जीवित कर वो हमें विजय दिला सकते थे, किंतु सदा के समान देवताओं ने अपने कपट से हमारा सर्वोत्तम अस्त्र हमसे छीन लिया। भ्राता अंधकासुर, ज्येष्ठ प्रहलाद, तुम यहां क्यों आए हो? मुझे नीचे दिखाने। भ्राता, चुप चुप चुप, हमारा कुछ नहीं होगा। आज एक छोटी सी अस्पताल में किंतु हर देवताओं को मैं अवश्य धूल दूषित करूंगा। रणभूमि में अनुज अंधकासुर, तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, मैं तुमसे ये युद्ध रोकने की विनती करने आया हूं। आप और कर भी क्या सकते हैं ज्येष्ठ। अंधकासुर, अपने विवेक का प्रयोग करो, सोचो। तुम्हारे सारे प्रयत्न, समस्त कूटनीति असफल हो गई है। श्री रूपी माता लक्ष्मी का प्रस्थान तुम्हारे दुर्भाग्य का आरंभ है अंधकासुर। यही है श्री हरि प्रभु नारायण की लीला। वही होगा जो उनकी इच्छा होगी, वही होगा जो धर्मोचित है। महादेव का अंधकार हूं मैं, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे, श्री का प्रस्थान हुआ तो क्या, अपराजय हूं मैं। क्या ग्रह है अंधकार हूं मैं, क्या ग्रह है अंधकार। माँ, आज मामी जी ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, अपने साथ इतना बड़ा स्थान दिया है। आप भी यहाँ होती तो आपको कितना गर्व होता माँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि आज देवी लक्ष्मी ने मेरे पुत्र गणेश को इतना बड़ा मान दिया है। महादेव, देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। अभी उसका समय नहीं आया नारायण। देवताओं की विजय से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु वास्तविक प्रसन्नता तो मुझे महादेव और देवी पार्वती को साथ देखकर ही प्राप्त होगी। हाँ मामी जी, किंतु ज्ञात नहीं माँ और पिताश्री की भेंट कब होगी, कब वे मिलेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा। योग्य व्यक्ति को ही उसके कर्मों के अनुसार फल और पद प्राप्त होते हैं।